कहना ना दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस इस वीडियो को एडिट करने के लिए आप लोग सबसे पहले तो आप लोग जो यहाँ पे कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है, वीपीएन वगैरह सब कुछ ऑन रखना, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है गाइस, ठीक है। फिर आपको लास्ट में जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है गाइस, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से जो आप लोग अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है, जो भी आपको हमारा ऐड करनी हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने एक दोस्त की वीडियो ले रखी है, तो बाकी जो भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट होंगे पहले मैं इन सबको डिलीट कर दूँगा कट करके, ठीक है। यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ फिर डिलीट एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ से भी स्प्लिट कर लेंगे हम थोड़ा सा इसको एंड ये जो डिलीट उसके बाद, ठीक है, हो चुका है यहाँ पे गाइस जितना। अब उसके बाद पहले हम इसकी स्पीड को मैनेज करेंगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्पीड में जाएंगे, कर्व में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम वाला लेंगे और उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको हम स्लो रखेंगे और थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो स्लो मो है वो अपने हिसाब से आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है, जैसे आप मर्जी करना चाहो। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा स्लो मो कर लेते हैं। अब यहाँ पे इतना हो चुका है, अब इसके बाद सबसे पहले ऑडियो को ऐड करेंगे गाइस, ठीक है। तो एनिमेशन ऐड कर लेते हैं पहले, ऑडियो बाद में ऐड कर लेंगे। तो एनिमेशन में पहले मैं ये वाला एनिमेशन रखूँगा, फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे जो आप ऑडियो ऐड कर लेते हैं, फिर फाइल वाला ऑप्शन लेंगे और ऑडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग उसका भी ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्ले करके देख लेंगे म्यूज़िक वगैरह सब कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा इतना काम हो चुका है, अब वीडियो की स्टार्टिंग में रखेंगे हम यहाँ पे जो हमने वीडियो ऐड करी थी उसकी स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे जो वीडियो इफेक्ट में जाएंगे, वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद गाइस आपको एक ब्लर मिलेगा इसमें यहाँ पे, ठीक है, जो कि होगा ये ब्लैक फ्लैश वाला, इसको लेंगे हम और इसको जो हम दो जगह रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। इसका हाइट थोड़ा सा कम रखेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, थोड़ा आगे की तरफ रख लेंगे इस तरीके से गाइस, ठीक है, यहाँ तक इतना। फिर दोबारा वीडियो इफेक्ट में जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है शेक वाला की इफेक्ट मिलेगा, शेक वाला, ठीक है, ये वाला, एक ये फ्लैश बाउंस भी है, ठीक है। दोनों में से आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसका हाइट कम कर लूँगा, जो मतलब लेंथ है इसकी, और उसका मैं एक डुप्लीकेट बना लूँगा यहाँ पे और उसको थोड़ा आगे की तरफ ले जाके रख दूँगा, ठीक है। जहाँ तक इतना हो चुका है, अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे अब दोबारा यहाँ पे जाना है आपको यहाँ पे बॉडी इफेक्ट में एंड यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा ये वाला इफेक्ट, आपको ये वाला रखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप इनमें से भी कोई भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का जहाँ तक थी, ठीक है, अब जो है वीडियो को हम सेव कर लेंगे यहाँ पे फटाफट। बाकी जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।